दोस्तों, गुलाब के प्लांट से अगर आप सर्दियों में बहुत ही सारे फ्लावर लेना चाहते हैं या बड़े साइज के गुलाब के फूल लेना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर महीने तक यानी अक्टूबर महीने के लास्ट तक आपको जरूर से कुछ एक जरूरी काम है जो कर लेना चाहिए। तो वो कौन कौन से जरूरी काम है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आपका देसी वेराइटीज है, चाहे आपका हाइब्रिड वेराइटीज है, कोई भी वेराइटीज है, जो भी वेराइटीज है उस पर ये काम जो है आप तुरंत करिए, इसी महीने में करिए, तब जाकर आपको ढेर सारे फ्लावर मिल पाएंगे सर्दियों में और बहुत ही बड़े साइज के फ्लावर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे वर्क है जो करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर भी देना है, प्लांट को प्रून भी करना है और कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है सब चीजें बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपके गुलाब के प्लांट की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही होगी, क्योंकि एक दो फूल हो सकता है आपके प्लांट में आ रहे हो लेकिन सर्दियों में हम ढेर सारे फूल चाहते हैं और बड़े साइज के फूल चाहते हैं। तो उसके लिए जो वर्क सबसे पहला है, अपने प्लांट को अच्छे से प्रून कीजिए, यानी जो भी एक्स्ट्रा डालिया वगैरह है उसको कट कीजिए और प्लांट को एक शेप दीजिए। तो इसके लिए आप कोई भी जो तेज धार वाला कटर है आपके पास उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सभी प्लांट को यहाँ पर अच्छे से जो है, जो ब्रांचेस डाईबैक प्रॉब्लम भी आपको दिख रही है उनको भी काटना है और जो नॉर्मल अगर आपके प्लांट की शेप खराब हो चुकी है तो उनको भी आपको कट करना है। तो बहुत अच्छे से इस चीज को करना है। मैं प्लांट को बिल्कुल छोटा कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से इस काम को कीजिएगा क्योंकि गुलाब का जो प्लांट है उसमें काफी ज्यादा कांटे रहते हैं। अगर आपने थोड़ा से भी ध्यान से नहीं किया तो आपके हाथों में जो है कांटे वगैरह चुभ सकते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिए और अच्छे से कटाई छटाई कीजिए। अगर कोई ब्रांच आपको बहुत ज्यादा पतली लग रही है या आपको प्लांट में सकर जो होता है, जो साइड से जो जहाँ से हमारा ग्राफ्टिंग किया हुआ रहता है, अगर ऐसी भी ब्रांच आपको दिख रही है तो उसको भी काटना है। हर एक जो एक्स्ट्रा जो ब्रांच वगैरह उनको अच्छे से कट करके अपने प्लांट को एक प्रॉपर शेप दीजिए ताकि सर्दियों में अच्छे से जब ब्रांचेस वगैरह निकले आपके प्लांट से तो आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रांच निकाल भी पाए और आपके प्लांट में न्यूट्रिशंस की भी कमी ना रहे। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है आगे। तो मैंने अपने प्लांट को प्रॉपर शेप दे दिया है। जो भी ब्रांच आपको ब्लैक दिखे, काली काली सी दिख रही है, उनको भी हटाना है। तो मैंने अच्छे से कर दिया है। और सबसे यहाँ दूसरा जो टिप्स है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पर साफ फंगिसाइड लिया है, आप देख सकते हैं। तो मेरा ये लगभग खत्म हो गया है तो थोड़ा सा जो भी बचा है मैं गुलाब के प्लांट में इसका यूज कर रही हूँ। तो जहां से भी आपने कटर को चलाया है उस जगह पर हल्का सा थोड़ा सा पानी से एक पेस्ट जैसा बनाकर जहां से भी आपने कटिंग किया है वहां वहां पर इसको लगाइए ताकि आपके प्लांट में फिर से डाईबैक प्रॉब्लम वहां से ना हो। ये दो टिप्स आप देख सकते हैं। पहला मैंने प्रून किया, पहला वर्क। सेकंड वर्क है यहाँ पर जो है हर जगह पर फंगिसाइड का अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, गुलाब के प्लांट में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो वर्क है, अगर आपके गमले की कंडीशन भी ऐसी है कि आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा वीड्स वगैरह उग गए हैं या जो भी घास वगैरह है या जो भी पत्तियां वगैरह गिरी हुई अगर इस तरह की है तो उनको ज़रूर से पहले साफ कीजिए, क्योंकि ये जो है आपके प्लांट के जितने भी न्यूट्रिशन है उसको ले रहे हैं और इस समय तक हमारे प्लांट में इतने ज़्यादा फ्लावर नहीं आते हैं। तो ठीक है, अब तक था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर आप अपने प्लांट से ज़्यादा फ्लावर चाहते हैं तो अपने सभी प्लांट के जो गमले वगैरह है उसको अच्छे से गुड़ाई कीजिए और अपने प्लांट के जो भी वीड्स वगैरह है उनको जरूर से हटाइए। चौथा जो वर्क है वो है अपने प्लांट में न्यूट्रिशंस देना। तो मैं यहाँ कौन से न्यूट्रिशंस देने वाली हूँ वो आप देख लीजिए। ये है वर्मी कंपोस्ट, साथ में यहाँ है बोन मील और ये है सीवीड ग्रैनुअल जो फर्टिलाइजर है वो है। तो कितनी मात्रा देना है, 10 इंच के गमले के लिए ऐसे मुट्ठी भर के आप जो है 2 मुट्ठी ले लीजिए लगभग। मतलब आप मान के चलिए कम से कम 100 ग्राम से थोड़ा ज्यादा ही होगा, मतलब 120 ग्राम
ग्राम जितना, मैं कोई माप तोल के नहीं दे रही हूँ, बस दो मुट्ठी ऐसे भर के लिया है। और ये जो है बोन मील है, बोन मील में काफ़ी अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस और कैल्शियम रहता है जो फ्लावर लाने में काफ़ी मदद करता है, जो मैं एक मुट्ठी जितना दे रही हूँ। ये जो है 10 इंच के गमले के लिए, और यहाँ पर जो सीविड क्रैनवल है वो 1 चम्मच जितना है। ये जो फर्टिलाइजर या जो खाद मैंने लिया है एक प्लेट में, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लांट के लिए है। मेरे यहाँ 3 गमले जो है, मैं उनको 3 अलग अलग कर तैयार करके दूंगी, लेकिन ये सिर्फ एक ही गमले के लिए है। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और जो है फ्लावर भी आने लगेंगे। पर पहले सबसे ज़रूरी है कि प्लांट में अच्छे से नए शूट्स आए। नए शूट्स आएंगे तो उसमें ऑलरेडी कलियाँ भी बनेंगी। तो मैंने यहाँ पर गुड़ाई पहले कर ही लिया है, आप लोगों के साथ शेयर किया था अभी थोड़ी देर पहले। खाद को अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद में गमले के चारों साइड से आप दे दीजिए। वैसे ये तीनों चीज़ें ही ऑर्गेनिक है, तो आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होने वाला है अगर आप प्लांट के पास भी दे रहे हैं तो। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं तो प्लांट से आपको जो है कोई नुकसान ना हो जाए या कांटे आपको चुभ ना जाए। दूसरा जो प्लांट है, मैं उसमें भी अभी देने वाली हूँ आपके सामने ही, क्योंकि तीनों प्लांट में सेम ही खाद देना है। जो मात्रा मैं दे रही हूँ वो मैं ऑलरेडी पहले आप लोगों के साथ बता चुकी हूँ। 1 मुट्ठी बोन मील है, 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट है और 1 चम्मच सीवीड है। ये तीनों चीज़ें हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से नई ब्रांचेस लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तीसरा जो गमला है, मैं उसमें भी फटाफट से दे रही हूँ। आपके पास अगर देसी वेराइटीज़ है उसमें भी आप इसी तरह से खाद दीजिए, और इस समय ज़रूर से अपने प्लांट में ये जो 4 वर्क यहाँ पर मैंने किया है वो आप ज़रूर से ये 4 वर्क अपने गुलाब के प्लांट में कर दीजिए, ताकि आपको भी जो विंटर सीजन है उसमें फ्लावर की कोई भी कमी ना हो गुलाब की। तो बस आप पूरे प्लांट में अच्छे से वाटर दे दीजिए, ताकि जो भी न्यूट्रिशन हमने अपने प्लांट में दिया है वो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ले पाए। बस ये जो चीज़ें अभी मैंने किया है अपने गुलाब के प्लांट में, आप भी कर लेंगे तो आपको भी फ्लावर की कमी नहीं होगी। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।